आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो शेफाली के जो है वो क्लास टेस्ट के मार्क्स हैं 2 सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, मैथ्स और इंग्लिश के, जिनका सम 30 है। अब सम 30 है तो ये नहीं पता कि इसमें 15 15 है या 12 18 है या 10 20 है, ठीक है ना। हैड शी गॉट 2 मार्क्स, अगर उसे 2 मार्क्स ज्यादा मिल जाते मैथ्स में और 3 मार्क्स कम मिल जाते इंग्लिश में, ठीक है ना, तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो 210 के इक्वल हो जाती और हमें जो है वो इसमें इसके मार्क्स जो है वो बताने हैं, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप है लेट हर मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। अब अगर हमने मैथ्स में जो है वो उसके मार्क्स मैथ्स में जो है वो अगर उसके मार्क्स हमने एक्स ले लिए, ठीक है ना, तो उसके मार्क्स इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल सम जो है वो 30 है। अगर उसमें से इसके 10 भी आए हैं तो 30 में से 10 गया बचा 20, 15 आए हैं तो 30 में से 15 गया बचा 15। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हर मार्क्स इन इंग्लिश बी 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने मैथ्स के मार्क्स को, तो 30 माइनस एक्स आ गए इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है। सबसे पहला तो स्टेप हो गया हमारा ये। अब उसके बाद वो कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, अब इन दोनों का सम यानी कि एक्स प्लस 30 माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू, है ना, हाँ। तो यहां पर जो है वो इसका सम जो है वो 30 है, तो ये 30 माइनस एक्स हो गया। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो यहां पर ये स्टेप नहीं आएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर 2 नंबर जो है वो उसे मैथ्स में ज्यादा मिले, यानी कि 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो उसके कितने हो जाते, उसके हो जाते x प्लस 2। अगर उसको 2 नंबर जो है वो मैथ्स में ज्यादा मिलते तो हो जाते x प्लस 2, क्योंकि मैथ्स के हमने x माने थे, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो क्या हो जाते हैं उसके, 30 माइनस x माइनस 3, क्योंकि 30 माइनस x उसके इंग्लिश में आए थे, इसलिए 30 माइनस x माइनस 3 हो जाते, जो हमें देते हैं 27 माइनस एक्स, क्योंकि 30 में से 3 गया तो 27 बचा और माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मार्क्स हो गए वो एक्स प्लस 2 हो गए और 27 माइनस एक्स हो गए, 2 बढ़ा के मैथ्स में और 3 घटा के इंग्लिश में, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर 2 बढ़ा के और 3 घटा के आते तो उनकी प्रोडक्ट हो जाती 210 के इक्वल। अब इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक्स प्लस 2 और 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। ये अब हमारी इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो 210 के इक्वल हो जाती। तो ये हमारा एक और स्टेप हो गया इसमें। अब हमने क्या करना है कि इनकी प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट करेंगे तो पहले हम x को 27 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 27x। फिर हम इस प्लस को इस माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। उसके बाद इस x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और 27 टू सा जो है वो 54 आ जाएगा। फिर हम इस प्लस 2 को माइनस x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा और इक्वल टू 210 आ जाएगा। ये हमने ब्रैकेट जो है वो खोल लिए हैं इनकी मल्टीप्लाई करके, यानी कि 210 के इक्वल जो प्रोडक्ट आनी थी वो ये आएगी, ठीक है। अब हमारी जो है वो इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में किस फॉर्म में होती है, जनरल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। 0 के इक्वल रखना होता है इसे सबको। अब यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव होती है और यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो नेगेटिव आई है, तो इसलिए हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे इस तरफ, जिससे कि ये उधर जाकर प्लस की हो जाए। 210 तो पहले ही दिया हुआ था, वो यहां ऐसे ही लिख देंगे।
इन्हें सबको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 27x जो प्लस का है, प्लस का एक्स स्क्वायर जो माइनस का है, माइनस का 54 जो प्लस का है, और प्लस का 2x जो माइनस का है, और इक्वल टू कर देंगे इन्हें जीरो के, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर तो हम लिख देंगे पहले, उसके बाद माइनस का 27x और प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस 27 में से 2 गया, 25 बचा, और माइनस का साइन तो माइनस का 25x। उसके बाद 210 प्लस का और 54 माइनस का, इसमें से जो है वो अगर कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका 54, 210 में से 54, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, तो ये आ जाएगा हमारा आपका 156, आपका आ गया यहां पर ये प्लस का 156 और इक्वल टू आ गया जीरो, ठीक है। अब ये जो है वो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां से हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू यहां पर क्या है 1, ठीक है, बी की वैल्यू यहां पर क्या है -25, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस का 156। तो ये तीनों वैल्यूज हमें यहां पर मिल गई है। अब इन वैल्यूज के मिलने के बाद हम इनके रूट निकाल लेंगे। रूट निकालने के तरीके हैं ही, है ना, कंपेयरिंग रूट है और कंपेयरिंग स्क्वायर है, उसके बाद जो है वो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं तीनों में से, ठीक है। तो यहां पर जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूं इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हम करते हैं कि वो एक्स की वैल्यू के इक्वल आ जाता है, क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। वो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है, जिसमें d जो होता है वो होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b जो होता है, d जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अब यहां पर जो है वो हमारा क्या है, b की वैल्यू क्या थी हमारी यहां पर माइनस ट्वेंटी फाइव थी, तो माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 156, ठीक है। माइनस 25 इंटू माइनस 25 625 हो गया, प्लस का तो 625, तो ये आ गया। उसके बाद जो है वो माइनस आ गया, ये 4 वन जा 4 और 4 को इससे करेंगे तो 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2, 22 का कैरी 2, और 4 वन जा 4 और 2 6, 624, 625 माइनस 624 आ गया हमारा 1, तो डी की वैल्यू हमारी निकल कर आई 1। जब डी की वैल्यू 1 निकल कर आ गई तो वो अब हम इसमें पुटअप कर देंगे, ठीक है। यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, आप जो है वो इसे नोट डाउन कर लें, और यहां पर जो है वो हम डी की वैल्यू 1 लिख देते हैं, 1। इसमें पुटअप करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 25 माइनस बी, उसके बाद प्लस और माइनस अंडर रूट यहां पर 1 डी की जगह पर अपॉन 2 और मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 थी, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 25, उसके बाद प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट 1 जो आ जाएगा वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो पेयर बन जाएगी, 1 बाहर आ जाएगा और अपॉन 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमें दो रूट मिल जाएंगे, 25 प्लस 1 बाई 2 और 25 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। 25 प्लस 1 बाई 2 तो हमारा हो जाएगा 25 प्लस 1 26, तो 26 बाई 2 जो कट के आ जाएगा 13, और 25 माइनस 1 हो जाएगा 24 बाई 2 जो कट के आ जाएगा 12। तो हमारे दो रूट निकल कर आ गए इसके अंदर, एक तो आ गया हमारा x इक्वल टू 13, एक आ गया x इक्वल टू 12, ठीक है। अब अगर x को हम पहले 12 मान लेते हैं यहां पर 12, तो उसके मार्क्स जो है वो मैथ्स में तो हो जाएंगे 12,
यहां से, है ना, और है ना इस वाले रूट के हिसाब से, और इंग्लिश में हो जाएंगे उसके 30 माइनस 12 जो कि हो जाएंगे 18। तो पहला आंसर हो जाएगा 18 और 12, यानी कि उसके अगर 12 आए मैथ्स के अंदर तो 30 में से 12 माइनस करके 18 आए इंग्लिश में इस वाले 12 से, और अगर 13 से मानेंगे तो मैथ्स में उसके आए 13 यानी कि 13, और इंग्लिश में जो है वो उसके आए 30 माइनस 13 इक्वल टू 17। ठीक है, तो या तो 12 और 18 उसका आंसर है या 13 और 17 उसका आंसर है। तो इस तरीके से जो है वो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो जाएगा, जहां पर हमने इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से कर लिया है। पहले हमने मैथ्स को एक्स मान लिया था, इंग्लिश को 30 माइनस एक्स मान लिया था, उसके मार्क्स 2 ज्यादा मिले तो उसमें जोड़ दिए, 3 कम मिले तो उसमें घटा दिए, उनकी प्रोडक्ट जो है वो 210 के इक्वल लग दी, और उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लिया, डी की वैल्यू निकाली, और वैल्यू निकाल के आपके आंसर निकल के आ गए। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।